गाइस वेलकम टू हमर न्यू ब्लॉग। और ये हमारा जी वैगन जो लेके हम अभी सुबह सुबह जा रहे हैं घूमने, और इसके ड्राइवर है हमारे मालिक प्रिंस कुमार। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम लोग आए हुए हैं अपने होम टाउन सर शिवहर में। दिवाली था तो पटना छोड़ के मैं आ गया हूँ होम टाउन सर अपने शिवहर में। और कल हम लोग का प्लान बना था देवली धाम जाने का 5 बजे भोर में। टाइम कैंसिल होने का कारण ये है, फर्स्ट इसके कारण बहुत लेट हो चुका है। अभी हम लोग जा रहे हैं मतलब, लेकिन हम लोग लेट से जा रहे हैं। ये पहला दोस्त हो गया, हमारे ग्रुप में 5 बंदे हैं, ये पहला हो गया, ये कालू ब्रो दूसरा पकता है, मैं तीसरा। अब एक और है लेकिन वो दिल्ली है, उसको आने में भी टाइम है। अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का प्लान तो कैंसिल नहीं हुआ है, मतलब लेट से जा रहे हैं लेकिन जाएंगे। चलिए अब वहाँ पे चलते हैं। आगे दिखाओ आगे का, आगे देखिए कोड़ा ही कोड़ा है। और हमारे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ। ये मेरा नया ड्राइवर है, नया ड्राइवर है। हम लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, देखिए सही सलामत पहुंचेंगे आज। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। A few moments later, guys, आज है दिवाली तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं बाबा का दर्शन करने, बाबा के दरबार जहाँ देवली धाम है, बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे बाबा का, तो वहीं पे जा रहे हैं हम लोग दर्शन करने। Two moments later, guys, finally आ गए हम लोग देवली धाम। Guys, ये हमारे गाड़ी का ड्राइवर है, गाड़ी बंद कर दिया लेकिन लाइट छोड़ दिया खुला हुआ, बहुत इसके पास बैटरी है गाड़ी में, देख रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है जी वैगन। हमारे यहाँ पे ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है बाबा का, इधर ही हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पे आते हैं दर्शन करने। गाइस यहाँ पे जूता खोलना पड़ता है, फिर यहाँ से लोटनी लेके फिर इधर से जल भरना पड़ता है, तब उधर जल चढ़ाने जाना होता है। बने रहिए हमारे साथ। लोग जूता खोल दिया, हम भी खोल देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ से लोटा लेके फिर हमें आगे जाना है। हम लोग गाइस सब कोई जूता वोता खोल दिए है, वहाँ से लोटनी ले ली, अब जा रहे हैं जल भरने, सबके हाथ में लोटनी है, हम जा रहे हैं डूबा पुल में जल भरने। हैशटैग दे देना सुमित कुमार रावत, हैश करेगा ना कोई। सुमित तुम खुश है ना मेरे चैनल पे आ रहा है? हाँ हाँ बहुत खुश है। चुप। ये जो जो हमारे शहर से उनको पता ही होगा, यहाँ से रास्ता है नीचे जाने का, ऊपर से पुल है और नीचे हम लोग जाएंगे जल भरने। गाइस तो हमारे इधर का यही एक मंदिर है जहाँ पे आप 4 बजे के बाद जब भी आएगा आपको भीड़ मिल ही जाएगा। हम लोग आए हुए हैं सुबह में, अभी कितना बज रहा है? 6 बज रहा है। अभी देखिए आगे आदमी सब भी जा रहे हैं, सब कोई जल ही भरने जा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ से जल ले लेते हैं और कुछ लोग जाते हैं डूबा पुल जल लेने के लिए, उसमें से हम चारों हैं जो हम लोग भी जा रहे हैं डूबा पुल। सुबह सुबह सब कोई जा रहा है जल लेने, देख रहे हैं सुबह सुबह सबको पैदल आना चाहिए जल लेने, तो ये लोग बाइक से आए हुए हैं, इनसे बड़ा रईस कौन है। हम लोग अपने जी वैगन से आए थे तो हम लोग भी सोचे यार चल लेते हैं, लेकिन बाबा से दर्शन करना है तो पैदल चलना पड़ेगा यार, लेकिन इन लोग को देखो ये लोग कुछ ज़्यादा ही रईस है, कुछ कर भी नहीं सकते यार, सबका अपना अपना सोच है। चलो चलो भरना स्टार्ट करो, जल जल्दी जल्दी भर लो। सो अविनाश और आगे जाओ, और आगे जाके लो शुद्ध पानी अच्छे से उठाओ भाई, यहीं से आके हमें जल भरना पड़ता है। ये हमारे इधर का डूबा पुल है जो सबसे बड़ा नदी है, वो बहुत दूर तक जाता है, बहुत सारी नदियों से ये कनेक्ट होता है, यहीं आता है। हम लोग आए हुए अभी जल लेने, जल लेंगे फिर यहाँ से जल लेके जाएंगे वापस मंदिर, वहाँ पे जल हम लोग को देना है। भाई लोग अपने अपना जल ले लिए हैं, अब जा रहे हैं मंदिर में जहाँ पे जल चढ़ता है, वहाँ पे चल के भी आपको दिखाते हैं। ब्लॉग में बने रहिएगा। A few moments later. ये पूरा बाबा का मंदिर है, और यहाँ पे जो आप नंदी जी देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ पे आके विश मांगने से हमारी एक विश पूरी।
आइए हमारे सीवर में, तो आइएगा देखली धाम। तो यहाँ पे आके आप भी एक विश मांग लीजिएगा, आपकी भी विश पूरी हो जाएगी। हम सारे दोस्त लोग दर्शन कर लिए हैं, हम तीन यहाँ हैं और एक उधर फोटो शूट कर रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। हम लोग दर्शन कर लिए हैं, अब हम लोग जाएंगे घर। ब्लॉग में बने रहिए, अभी ब्लॉग बहुत लंबा चलने वाला है। हम लोग जल चढ़ा लिए हैं, अब हम लोग को अपना अपना लोटा बाहर जमा कर रहे हैं, जहाँ से ये लेते हैं, और वहाँ से हम लोग लोटा जमा करके फिर हम लोग जाएंगे अपने घर। सुन हो गया हम सारे भाइयों का, अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। तो कभी आइए हमारे शिवहर, तो आके घूमिएगा देकुली धाम, फिर बताइएगा आपको कैसा लगा हमारे देकुली धाम घूम के। बाबा का दर्शन कीजिए कभी आके। A few moments later. हो गया गाइस, हम लोग का दर्शन हो गया, अब आ गए हम लोग अपने अपने जी वैगन में। गाड़ी आगे भी गाड़ी। ओ ये आगे से गाड़ी चेक कर लो। सुबह अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बहुत घूमने, उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने घर। A few moments later. दर्शन करके जाना था हम लोग को घर, लेकिन हम लोग आए हुए हैं बागमती पुल पे, जहाँ पे इन लोग का सडनली प्लान बना कि हम लोग अब रील बनाएंगे और फोटो शूट करेंगे। तो यार दोस्त है, मना कैसे होगा, तो आ गए रील शूट करने। वैसे मेरे को ज्यादा करना था, इन लोग को कम करना था, फिर भी बोलते हैं। One hour later. Guys, हम लोग गाड़ी लेके आ गए हैं यहाँ पे चाय पकौड़ा हब पे, यहाँ पे अपने विवेक भैया का दुकान है, यहाँ पे सबसे मस्त चाय मिल। शुरू से मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो यहाँ पे इनका दुकान है, तो मैं शुरू से इनको जान, यहीं पे चाय वगैरह सब कुछ हम लोग पीते हैं परमानेंट। अगर आप लोग को बेस्ट चाय पीना है तो यहाँ पे आ सकते। A few moments later. हमारा चाय आ गया, थोड़ी देर वेट करने के बाद तंदूरी चाय जो विकास भैया बनाते हैं। आप लोग आइएगा तो यहाँ पे विकास भैया के हाथ का जरूर टेस्ट कीजिएगा। विवेक भैया के हाथ का उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन विकास भैया के हाथ का बहुत मस्त लगेगा। One hour later. गाइस, तो आज दिवाली है और आज थोड़ा बहुत लाइट वाइट लगाना था छत पे, तो पूरा लाइट से सजाना था, तो वही हम लोग अभी सजा रहे हैं। उधर भैया और पापा सजा रहे हैं, इधर मैं खड़ा होकर मेरा काम हो गया, तो मैं तो वैसा खड़ा ही रहता हूँ, बस क्रेडिट लेता हूँ हर चीज का। भैया है बड़े वाले, लाइट पकड़ के खड़े हैं, उधर पापा लगा रहे लाइट, सब पूरे छत पे लग चुका है, हर जगह लाइट। रात को इसका पूरा व्यू दिखाऊंगा। गाइस, हम मिस्त्री वाला काम कर रहे हैं, हमारी माता जी उधर रंगोली बना रही है। क्या माता जी? गाइस, फाइनली बहुत मेहनत के बाद सारा लाइट लग गया, सब जल भी रहा है। गाइस, हम लोग का काम खत्म हो गया, लेकिन माता जी का काम अभी तक चल रहा है। क्या माता जी कैसा फील आ रहा है रंगोली बना के? माता जी आठ भाई, हमारी माता जी अच्छे से बनाइएगा। One hour later. बहुत मेहनत लगा है गाइस लड़ी लगाने में, देख रहे हैं ये ऊपर तक, ये सब जितना भी लगा है ना, ये वहाँ से लगा है, हम खाली क्रेडिट ले रहे हैं गाइस। आपको इसका रात में व्यू दिखाएंगे कि कैसे दिखता है पूरा व्यू। One hour later. ये है पूरे घर का लुक, धीरे धीरे करके पूरा जल रहा है गाइस। तो कमेंट करके बताना मेरे घर का लुक कैसा लगा। उधर का दीप सब जल गया, मम्मी इधर का दीप सिहार रही है, अब हमें बाहर दीप ले जाके जलाना है, इसलिए अब अभी मम्मी इधर का दीप सिहार रही है। हाँ गाइस, मेरे साइड से सबको हैप्पी दिवाली, सबको और सारे आप लोग जितने भी देखते हो आपके सारे परिवार को मेरे साइड से हैप्पी दिवाली। फर्स्ट दीपक हमें यहाँ पे रखना है, गैस पे नहीं रखना है गाइस यार, दीप साइड कर रहा हूँ। फर्स्ट दीपक हमें यहाँ पे रखना है अपने किचन के रूम में, मैंने फर्स्ट रख दिया है, अब बाकी जल्दी से अपने घर पे भी हर जगह पे दिए रख देता हूँ, उसके बाद आपको पूरा फुल लुक दूंगा अपने घर का, हर एक चीज दिखाऊंगा, ठीक है? तब तक थोड़ी देर वेट कर लेना, मैं थोड़ी देर में हर चीज़ रख के आया, क्योंकि वैसे मैं आज ब्लॉग करते करते हर चीज़ नहीं दिखा सकता, मैं कर लेता हूँ उसके बाद आपको पूरा दिखाऊंगा। वो तो था मेरे पूरे घर का लुक, मतलब मेरे रूम का लुक, अब दिखा दो पूरे छत पर से पूरे एरिया का, हर जगह का लुक। हम लोगों ने तो जला दिया, तो व्यू था मेरे छत के ऊपर से पूरे सीवर का। मैं दिखाता हूँ अपने पूरे घर के बाहर से अपना घर का लुक, जो मैंने और पापा और भैया ने डेकोरेट किया पूरे घर को। और हाँ गाइस, मैं कैसा दिख रहा हूँ ये बताना मत भूलना, ऊपर से नीचे तक देख लो और बता देना मैं कैसा लग रहा हूँ, अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में क्यूट लिखो। A few moments later. ये रहा मेरे घर का पूरा फाइनल लुक गाइस।
One hour later. गाइस आज दिवाली है, अभी तक मालिक है ना अभी तक पटाखा नहीं लिया है, अभी इसको याद पड़ा कि हम लोग को पटाखा भी आज छोड़ना है, तो बिना पटाखा के दिवाली मनेगा कैसे, तो इसलिए जा रहा है धुआं धुआं कर देंगे अभी, धुआं धुआं करने वाला है मारेंगे इलाका, धुआं धुआं कर देंगे। हाँ अभी धुआं धुआं होगा गाइस, जा रहे पटाखा लेने, देखिए कैसा कैसा पटाखा लेते हैं, हमारे मालिक पैसा का फुल बर्बादी करेंगे आज दिवाली के दिन। 60 शॉट्स ले लिए हैं, अब लड़ी खोज रहे हैं, अब ये भी ले लेते हैं, उसके बाद तो फोड़ना ही फोड़ना है सबको, सारे ये पटाखे हैं गाइस, पैसा में आग लगाना, हमारे मालिक से कोई सीखे, देख रहे हैं। ऐसे नहीं कहो गाइस, अभी इतना लिए हैं, अभी 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 इतना लिए हैं गाइस, अभी कुछ और बाकी है। A few moments later. अभी आधा ले लिए, आधा अभी धुआं धुआं करना, अभी हम लोग का बाकी है गाइस, अभी तो बस थोड़ा बहुत लिए हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, लगा 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 लगा। हैप्पी दिवाली दोस्त, हैप्पी दिवाली, जा ये तो फुसकी बम हो गया दोस्त, ये मेरा दूसरा दोस्त है गाइज, देखिए ये जय को बम जला रहा है, सारा फुस कर जा रहा है गाइज, ये तीसरा पड़ोसी तीसरा जलाते जा रहा है, ये भी कहीं फेल ना हो जाए ना गाइज, ये फेल ना होगा, सबको हैप्पी दिवाली गाइज। गाइस धुआं धुआं हो गया गाइस, हैं अभी बहुत आग लगाना है, अभी पूरा दिवाली रात भर बाकी है, सब दिखाएंगे आपको, पैसा बर्बाद ऐसे होता है, देखिए देख रहा है गाइस, बहुत पैसा है इसके पास, सब बर्बाद हो रहा है बहुत भैया गाइस, अभी और उड़ाना बाकी है। गाइस घर आ गया पास, हाँ ले वो देख रहा है, सारा पैसा धुआं धुआं हो जाएगा आज, नीचे का गर्मी शांत हुआ तब ऊपर का गर्मी खत्म करने आए गाइस। One hour later. गाइस तो फाइनली हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट कर ली, सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ खा पी के आराम से सोने, रात के 10 बज गए हैं, तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली एवरीवन। गाइस दिवाली के दिन का एकदम मस्त दाल चावल, जिसको जिसको खाना है आ जाओ गाइस, मैं तो जा रहा हूँ खाने, ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं।